हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित सादा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक पैन कार्ड बनवाने जाते हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं, एक होता है NSDL एंड और एक होता है UTIITSL। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे NSDL से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड उसके लिए आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस कैंडिडेट का पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसका मोबाइल के साथ आधार कार्ड का लिंक है। तो सिंपली आधार कार्ड को लेकर मैं उसका पैन कार्ड बनवा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद सिंपली आपको इधर सर्च करना है पैन कार्ड का। पैन कार्ड सर्च करते ही आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक है NSDL एंड और एक होता है UTIITSL। तो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करते ही NSDL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम आ चुके हैं। आपको इधर आने में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है मैं मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते। इधर आने के बाद सिंपली आपको अप्लाई ऑनलाइन पे रहने देना है एंड एप्लीकेशन टाइप हर वक्त आपको सबसे पहले वाला ले लेना है, क्योंकि दूसरा और तीसरा जो है वो दूसरे के लिए क्या है, अगर कोई एक कैंडिडेट इंडिया के बाहर से पैन कार्ड करने का कोशिश कर रहा है तो सेकेंड ऑप्शन है, एंड थर्ड ऑप्शन में अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो वो है। ठीक है, तो मैं इस पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए कैटेगरी करके एक ऑप्शन है, इसमें आपको इंडिविजुअल चूज कर लेना। चूज करने के बाद नीचे की तरफ चले आना है। इधर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन करके एक ऑप्शन है, इसमें टाइटल में आप अगर श्री हो तो श्री दे सकते हो, श्रीमती कुमारी कुछ भी दे सकते हो, तो मैं फिलहाल श्री दे देता हूँ। इधर देखिए सरनेम देने के लिए बोल रहा है कि आपका सरनेम क्या है, आपका जो भी सरनेम है इधर दे दीजिएगा। तो मैं मेरा एक कैंडिडेट का सरनेम दे देता हूँ। सरनेम देने के बाद सिंपली आपको फर्स्ट नेम दे देना है, मतलब आपका जो नेम है। नेम देने के बाद देखिए इधर डेट ऑफ बर्थ करके एक ऑप्शन है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सही से इधर फिल करिएगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको सिंपली उस कैंडिडेट का ईमेल आईडी इधर एंटर कर देना है, क्योंकि पैन कार्ड होने के बाद ही आपका मेल में एक पैन कार्ड का कॉपी भेज दिया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। ईमेल आईडी देने के बाद आपको सिंपली इधर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर इधर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद सिंपली इधर एक टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें आपको टिक करना है एंड जो कैप्चर है इसको सही से फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो एक टोकन नंबर जेनरेट हो चुका है। इस टोकन नंबर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, क्योंकि इस टोकन नंबर को आपको बाद में जरूरत पड़ सकता है। तो इस टोकन नंबर को आपको सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है, अदरवाइज आप इसको लिख कर भी रख सकते। उसके बाद देखिए इधर कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म करके एक ऑप्शन है, इसमें हमको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करते ही थोड़ा लोडिंग दिखाएगा एंड देखिए ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का जो 5 स्टेप है वो ओपन हो चुका है। तो पहले स्टेप क्या है कि हम पेपरलेसली करना चाहते हैं। पेपरलेस का मतलब है कि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देने का इधर जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर के थ्रू पैन के लिए अप्लाई कर सकते। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन के ही रहने देता है। उसके बाद इधर देखिए वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, आपको अगर फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो यस पे क्लिक करना, अदरवाइज नो। तो मेरे को तो पैन कार्ड चाहिए फिजिकली, तो मैं यस पे रहने देता हूं। उसके बाद देखिए आपका जो भी आधार नंबर है, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको इधर एंटर कर देना है। तो मैं मेरा कैंडिडेट का लास्ट 4 डिजिट एंटर कर देता हूं। लास्ट 4 डिजिट एंटर करने के बाद इधर देखिए एक ऑप्शन है कि आपका आधार कार्ड में जो भी पिक्चर है वो आप पैन कार्ड में प्रिंट करवाना चाहते हो। तो देखिए इधर 2 ऑप्शन है, येस और नो, तो हमको येस पे रहने देना है, क्योंकि इधर जो लिखा हुआ है कि पैन कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड का जो भी पिक्चर है वो एक है। ठीक है, येस कर देता हूँ। उसके बाद आपको सरनेम एंड फर्स्ट नेम इधर सही से देख लेना है, आप सही से दिए हो कि नहीं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ एंड इधर एक जेंडर है, देखिए इस जेंडर पे आपको जो भी जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर का कुछ देने का जरूरत नहीं है, ये भी नो है। ठीक है, इधर देखिए फादर नेम, आपका फादर नेम जो भी है इधर एंटर कर देना है। तो मैं देखिए सबसे पहले सरनेम, उसके बाद नेम, फादर नेम मैंने सही से डाल दिया। उसके बाद देखिए मदर नेम, पैन कार्ड में हमेशा फादर नेम ही रहता है, सपोज का नेम भी आप नहीं दे सकते, फादर नेम ही रहने देता है, मदर नेम हम छोड़ देते हैं, ऑप्शनल है ये। उसके बाद देखिए आपका पैन कार्ड में किसका नेम प्रिंट चाहिए, तो फादर नेम को रहने देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि पर्सनल डिटेल्स में हम आ चुके हैं। सोर्स ऑफ इनकम, मतलब हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो नो इनकम पे आपको क्लिक कर देना है, अदरवाइज अगर आप सैलरी पर्सन हो इस पे क्लिक कर सकते हो। तो मेरा जो कैंडिडेट है एक स्टूडेंट है, तो मैं नो इनकम पे क्लिक कर देता हूँ। नो इनकम पे क्लिक करने के बाद इधर बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए एड्रेस का इस पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, रेसिडेंशियल एड्रेस,
ऑफिशियल एड्रेस कुछ भी इधर देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपका आधार कार्ड से फेच कर लेगा। ओके, उसके बाद इधर देखिए कंट्री कोड है, आपका जो भी कंट्री कोड होगा इधर दे देना है, इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर देखिए रिप्रेजेंटेटिव एसेट, इसमें हमेशा नो रहने देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि कॉन्टैक्ट एंड आधार डिटेल्स पे हम आ चुके हैं। इधर आपको सिंपली एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड एंड AO नंबर देना होता है। अगर आपको ये सब पता है तो आप इधर से दे सकते हो, अदरवाइज आप इधर देखिए, आप अगर इंडियन सिटीजन हो तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी स्टेट है इधर से चूज कर लेना है। तो मेरा स्टेट जो है कैंडिडेट का वेस्ट बंगाल है, तो मैं वेस्ट बंगाल दे देता हूँ। उसके बाद उसका जो भी सिटी है इधर चूज करना है, तो उसका सिटी हुगली है, मैं दे देता हूँ। हुगली देने के बाद ही आप देख सकते हो कि इधर AO कोड है जो बहुत सारा आ चुका है। इसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर लेना है एंड नीचे की तरफ चले जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए AO कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे हम आ चुका है। डॉक्यूमेंट डिटेल पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड, मतलब आपका सब कुछ आधार कार्ड पे ही सेट है। इस पे भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको सिंपली आपका नेम का जो स्पेलिंग है उसको सही से चेक कर लेना है एंड उसके बाद देखिए इधर सिलेक्ट करके एक ऑप्शन है, इसमें सिंपली हिमसेल्फ और हरसेल्फ को चूज कर लेना है एंड इधर प्लेस आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो ये दे सकते हो। तो मैं एक दे देता हूँ। प्लेस देने के बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर दे। सबमिट पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कॉन्फर्म डिटेल्स, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको सिंपली इधर आधार कार्ड का जो फर्स्ट 8 डिजिट है उधर एंटर करना होता है। तो मैं दे देता हूँ। फर्स्ट 8 डिजिट देने के बाद इधर कुछ भी नहीं मांग रहा है, आप सब कुछ सही से चेक कर लेना। अब तक आपने जो भी फिलअप किया है वो सब कुछ इधर शो करेगा। उसके बाद एकदम नीचे की तरफ चलते हैं, इधर सब कुछ ठीक है, हमको सिंपली इधर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करते ही एक मोड ऑफ पेमेंट आ जाएगा। इसमें देखिए तीनों ऑप्शन है, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डिंग। आपको सिंपली ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम पे क्लिक कर देना है। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि 106 रुपीस का आपको पेमेंट करना है। तो सिंपली इधर टर्म्स एंड कंडीशन करके नीचे की तरफ ऑप्शन है, इस पे टिक करना है एंड प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करते ही आपको कन्फर्म पेमेंट करके एक ऑप्शन दिखाएगा एंड ट्रांजेक्शन आईडी, इसको सिंपली आपको पे कन्फर्म में क्लिक कर देना है। पे कॉन्फर्म में क्लिक करते ही आपके पास एक पेटीएम का एक क्यूआर आ जाएगा, इसको आप किसी भी ऐप से पेमेंट कर सकते हो। तो मैं पेटीएम से ही इसको पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसा ही दिखा रहा है कि योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम यूजिंग रनिंग यूजर ऑप्शन इन लॉग इन पेज। ये बेकार में ही दिखाता है, इसको देखकर कोई डरने वाला बात नहीं है। तो फिलहाल हम चलते हैं, फिर से एक बार लॉग इन करते हैं। लॉगिन करने के लिए फिर से हमको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन की तरफ आ जाना है। इधर आने के बाद देखिए पहले हम अप्लाई ऑनलाइन पे सिलेक्ट करके रखे थे, उसके बाद अभी कंटिन्यू विथ एप्लीकेंट पे हमको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करते ही आपका मेल में एक टोकन नंबर भेजा गया है, उस टोकन नंबर को आपको सिंपली इधर एंटर करना है एंड ईमेल आईडी एंड आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों देने के बाद आपको कैप्चर एक फिल करना होगा। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते आप देख सकते हो आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका एक आधार ऑथेंटिकेशन होगा। इसके लिए आपको इधर टोकन नंबर एंड सब कुछ दिखा रहा है, इसमें सिंपली आपको टर्म्स एंड कंडीशन करके एक ऑप्शन है, इसमें टिक करना है एंड अब इसमें कंटिन्यू में नहीं क्लिक कर सकते, आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना होगा। मैं ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देता हूं। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। उसके लिए देखिए इधर कंटिन्यू विद ईकेवाईसी पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपका मोबाइल में एक ओटीपी भेजा गया है, देखिए इधर टोकन नंबर, एप्लीकेंट नेम, आधार नंबर सब कुछ शो कर रहा है। तो आपको मोबाइल में एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को सिंपली आपको इधर एंटर करना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं एंटर कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते आप देख सकते हो एक नया इंटरफेस आ चुका है, इसमें आपको कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करते ही ऐसा NSDL का ई साइन वाला एक ऑप्शन चालू हो जाएगा, इसमें आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करना है एंड आपका जो भी आधार नंबर है इधर फिल करना है। तो मैं आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद सिंपली सेंड OTP पे हमको क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल में एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को फिर से इधर एंटर करना है। तो मेरा OTP आ चुका है। OTP एंटर करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है।
फ्री पे ओटीपी पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि आपके पास एक पीडीएफ आ चुका है। इस पीडीएफ के आने का मतलब ही है आपका पैन कार्ड के लिए अप्लाई हो चुका है। तो इस पीडीएफ को कैसे आप ओपन कर सकते हो, इस पीडीएफ ओपन करने के लिए सिंपली आपका डेट ऑफ बर्थ को बिना ऑब्लिक दिए आप इधर दे दीजिएगा, फिर आपका इस पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मानो कि मेरा जो कैंडिडेट है उसका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 है, ठीक है, तो उसका पासवर्ड क्या होगा 01/01/2002, ठीक है। तो मैं मेरा कैंडिडेट का पासवर्ड इधर दे देता हूँ, पासवर्ड देके आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। तो ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप NSDL से बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के आप सिंपली आधार एंड मोबाइल के बेस पे पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना। एंड आपका कुछ भी डाउट है तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।